सभी बहन भाइयों को नमस्ते। आज मैं ये वाली डिजाइन बना के दिखाऊंगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो बनाना शुरू करते हैं, इसको रख देते हैं और अगल फंदे डालेंगे दूसरी सिलाई में, फिर बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने फंदे डाल लिए और हमने दो सिलाइयाँ बना ली हैं अपनी, एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए। तो देखिए बनाते हैं इसके लिए दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उन पीछे की साइड घुमाएंगे और एक दो फंदे छोड़ के इसमें सलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे एक, और इसी सलाई पे चढ़ा लेंगे और इन दोनों को एक साथ बिन देंगे, एक साथ बना देंगे इन दोनों को। और ये वाला हमारा फंदा बचा, इसको भी सीधा ही बना लेंगे और दो फंदे उल्टे एक दो फिर से बनाएंगे बिनाई एक दो फंदे छोड़ के और इस सिलाई के बीचों बीच सिलाई डालेंगे और फंदा एक बना लेंगे और इस बार इस सिलाई पे चढ़ा के और दोनों फंदे एक साथ बना देंगे। तो एक और दूसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे और दो फंदों को उल्टा बनाएंगे, फिर से वही फंदा बनाएंगे बिनाई वाला अपना, दो फंदों को एक साथ बना देंगे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर उन दूसरी साइड घुमाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर उन घुमाएंगे, फंदा एक बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई अपनी बना लेंगे। दो फंदे उल्टे, आखिर में हमारे पास दो फंदे बचे हैं, उनको उल्टा बना देंगे। अब इधर से देखिए आप लोग, इधर से जो हमें फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हमें सीधा बनाना है और जो हमारे उल्टे हैं बिनाई वाले उनको उल्टा बनाना है। तो देखिए इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे उल्टी सिलाई में और सीधी सिलाई में उल्टा बनाएंगे इनको, और ये बिनाई वाले दो हैं इनको उल्टा बनाएंगे एक दो और दो फंदे सीधे एक दो फंदे उल्टे एक दो। तो देखिए ऐसे ही बना लेना है हमको। ये फंदे जो हमको उल्टे दिख रहे हैं ये हमको उल्टे बनाने हैं उल्टी साइड से, और जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है उल्टी साइड से। तो बना लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी उल्टी सिलाई बना ली और हमारी बिनाई बनना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, सीधी सिलाई में एक फंदा उल्टा बनाएंगे शुरुआत का और उन पीछे की साइड घुमाएंगे, और जो हमने बिनाई बनाई थी उस वाले फंदे को हमको सिलाई ऐसे दो फंदों में डालनी है और फंदे इस वाली सिलाई पे ले लेने हैं और ये वाला फंदा इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और ये वाला फंदा सीधा ही बना देंगे। देखिए और इसको भी सीधा बनाएंगे और ये वाला हमारा फंदा है ये हम पीछे से लेंगे। देखिए हमारा एक बिनाई वाला, दो बिनाई वाले एक ये और दो बीच में, तो हमारे पास चार फंदे हो गए और ये सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी। देखिए इसमें हमको बिल्कुल ही ऊन नहीं घुमानी है ना ही उल्टा बिनना है, सीधा ही सीधी पूरी सिलाई में बनानी है। तो देखिए इस वाले फंदे को पीछे से लेंगे और फंदे बना देंगे, फिर से इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई पे लेंगे ऐसे करके, और इस वाले फंदे को इस सिलाई पे ले लेंगे और सीधा ही बना देंगे। देखिए इस वाले फंदे को पीछे से लेंगे हम, सीधा ही बना देंगे, इसको भी सीधा ही बना देंगे। तो हमारे पास सब फंदे हो जाएंगे, दो बिनाई वाले दो बगैर बिनाई वाले, तो हमारे चार फंदे हो जाएंगे। ये देखिए फिर से इस वाले फंदे को आगे से लेंगे सीधा ही बनाएंगे, इसको पीछे से लेंगे और सीधा ही बना देंगे इसको भी।
इसे इसको आगे से फंदे को लेंगे, सीधा ही बना देंगे। इस फंदे को पीछे से लाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे ले जाएंगे। देखिए सीधे ही हमको ये फंदे बनाने हैं। ये मेरी पूरी सिलाई जो है हमारी ये सीधी ही जाएगी और उल्टी पार से हमारी पूरी सिलाई उल्टी जाएगी। देखिए ऐसे ही बना लेना आप लोग भी। देखिए इस वाले फंदे को हम आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा हम पीछे ले जाएंगे, इसे सीधा ही बना देंगे। इस वाले फंदे को हम पीछे से लाएंगे और ये वाला फंदा हम इस वाली सिलाई पे ले जाएंगे, सीधा ही बना देंगे इसको भी। और हमारे पास आखिर में एक फंदा बचा है, उसको भी सीधा ही बना देंगे। तो देखिए ये वाली सिलाई हमारी पूरी उल्टी जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, पूरी उल्टी सिलाई बना लेनी है ऐसे करके। देखिए ऐसे ही जाएगी पूरी सिलाई, तो बना लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते। तो देखिए हमारी बिनाई बनकर एक कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी वाली अपनी बिनाई बनाएंगे, हमारे ये फंदे हैं जो अब की हमारी बिनाई पहले हमने यहाँ पर से शुरू की थी, अब हमारी यहाँ पर से शुरू होगी। तो देखिए क्या करना है उसके लिए, एक दो तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, सॉरी चार फंदे उल्टे बनाएंगे, उन दूसरी शर्ट ले जाएंगे और यहाँ से एक ये बिनाई वाला एक ये बिनाई वाला इन दोनों फंदों को छोड़ के यहाँ पर से सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे और दोनों को एक साथ बिन देंगे। देखिए हमने जो फंदा बढ़ाया था वो इसमें कम हो जाएगा और उसको भी सीधा ही बना लेंगे और दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, एक दो। फिर से हम वैसे ही बनाएंगे फंदा अपना। देखिए एक और दो, दो फंदे उल्टे, एक दो, दोनों पीछे की साइड घुमाएंगे, एक फंदा बनाएंगे और इस वाली सिलाई पे चढ़ा लेंगे, दोनों को एक साथ बना देंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। तो ऐसे ही पूरी सिलाई बनेगी। दो फंदे उल्टे, एक दो, आखिर में हमारे पास इधर भी चार फंदे बचेंगे, तो हम चार अपने फंदे उल्टे ही बना लेंगे। देखिए अब इधर से हमको क्या करना है, जो हमको इधर से सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाएंगे, चार फंदे हमारे पास इधर से सीधे हो जाएंगे तो उनको सीधा बनाएंगे उल्टी सिलाई में, और जो उल्टे हैं दो बिनाई वाले उनको उल्टा ही बनाएंगे। देखिए अब दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए ये हमारे बिनाई वाले हैं दो फंदे, इनको उल्टे बनाने हैं उल्टी सिलाई में, और ये गांठी वाले हैं तो इनको सीधा बनाना है उल्टी सिलाई में दो फंदों को। तो ऐसे ही पूरी सिलाई बना लेनी है, बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए हमने अपनी उल्टी सिलाई बना ली है, अब हमारी सीधी सिलाई है, इस सिलाई में हमारी बिनाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आप जितना भी बनाना चाहें उतने में डाल सकते हैं, हमने थोड़े ही फंदे डाल के आपको बना के दिखाया है। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहें सूटर, तो उसमें आप ये बिनाई बना सकते हैं, चाहे बच्चे के सूटर में बनाएं, चाहे लेडीज के सूटर में डालें, चाहे जेंट्स के सूटर में डालें, सब में ये बिनाई बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए बनाते हैं, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। इस वाले फंदे को हम आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे। तो देखिए इसको सीधा ही बना देंगे और इसको भी सीधा ही बनाएंगे, और एक फंदा हम अपना पीछे से लाएंगे, ये वाला फंदा इस वाली सिलाई पे ले जाएंगे और इसको भी सीधा ही बना देंगे। तो देखिए हमारी ये वाली सिलाई जो है, तो इसमें हमको सीधा सीधा ही बनाना है इसको, इसमें हमको उल्टा एक भी फंदा नहीं बनाना है, सीधा सीधा ही बनाते चले जाना है। देखिए
एक फंदा पीछे से अपना लाएंगे। एक फंदा पीछे से लाएंगे और ऐसे ही पूरी सिलाई हमारी बनेगी, सीधी ही बनानी है हमको ये सिलाई। फंदा इधर का उधर करेंगे और सीधी ही बनाएंगे ये सिलाई। इसमें हमको ऊन इधर से उधर नहीं घुमानी है, ना ही हमको उल्टा बनाना है, सीधे ही सभी फंदे बनाने हैं हमको। देखिए ये बिनाई बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है बिनाई। देखिए हमारे पास तीन फंदे उल्टे बचे हैं। शुरुआत के इसमें हमने उल्टे बनाए थे तीन फंदे, चार बचे थे तो एक बिनाई में चला गया, तो हमने तीन फंदे उल्टे बनाए और इधर भी हमारे तीन फंदे उल्टे बनेंगे। अब की जब हम बिनाई बनाएंगे तो एक बिनाई हमारी यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी। देखिए इनको उल्टा ही बना लेंगे और हमारी बिनाई बनकर तैयार हो गई है। अगर हमारे बिनाई बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।